student in previous class, we have already discussed electric field and line of forces. Okay. So today we are going to start a very new topic and a very good topic in electrostatics, that is called electric potential. Okay. So electric potential. Now, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं किसी स्टैटिक चार्ज की वजह से किसी फिक्स्ड पॉइंट, ओके। मान लिया जाए जैसे ये एक चार्ज है, दिस इज द फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। अब यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, तो आपसे कोई कह सकता है कि भाई p पर हमको पोटेंशियल बताइए। तो पोटेंशियल बताने से पहले हम पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल क्या है ये बताएंगे, फिर आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे पोटेंशियल कितना होना चाहिए, ठीक है ना। सो पोटेंशियल, हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए फिक्स चार्ज इज due to a fixed charge at a point P is, then find H. Electric potential due to a fixed charge at a point P is defined as. कैसे define किया जाता है? अब यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है ना? इस इतने लाइन से आपको क्या समझ आया यार, ये जो तीन लाइन लिखे हैं इसके लाइन से क्या समझे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके चलते हम लोग निकालते हैं, किसी फिक्स चार्ज, चार्ज रखा हुआ है जिसके चलते निकालते हैं, ठीक है। कहाँ निकालते हैं? तो किसी पॉइंट पर निकालते हैं, ठीक है। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग पैरामीटर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो हम किसी स्टैटिक चार्ज की वजह से निकालते हैं, किसी पॉइंट पे निकालते हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसी स्टैटिक चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं और किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोस्टेट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज का बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, ठीक है ना, क्योंकि वो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने में मदद करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे डेफिनेशन है कि भाई प्लस वन चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यहाँ पर फिर प्लस वन चार्ज के हेल्प से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने जा रहे हैं। कैसे? सबसे पहले आप प्लस वन चार्ज, सो लेट दिस इज द प्लस वन चार्ज, ओके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से, कहां से देखिए, कहां से भाई, इनफाइनाइट डिस्टेंस से कहां लाना है, पॉइंट पी पर लाना, इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट पी पर लाना है। ये आदमी इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट पी पर इस प्लस वन चार्ज को लेके जाएगा, तो जितना वर्कन करेगा दिस वर्कन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है ना। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये जो एक्सटर्नल एजेंट है, इस आदमी का नाम क्या होगा फिजिक्स में, इस आदमी का नाम क्या होगा भाई, एक्सटर्नल, ठीक है। बाय
external agent to bring an unit positive charge. So what done by an external agent to bring an unit positive charge from infinity to a point P, okay, with constant velocity, yeah, slowly. फिर से डेफिनेशन को देखिए एक बार, ठीक है ना? कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पी पर डिफाइन करना है, तो आप प्लस वन चार्ज को, आप मतलब कौन, आपका मतलब हुआ एक्सटर्नल एजेंट, कोई बाहर ही आदमी, ठीक है ना? तो यदि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो कोई एक्सटर्नल एजेंट प्लस वन मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से, इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक ले जाने, जो वर्क करेगा, और कैसे ले जाना है भाई, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कैसे ले जाना है, विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी या स्लोली, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कि मतलब आपको इंफिनिटी से पॉइंट पी पर ले जाना है, लेकिन कैसे ले जाना है, विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी या स्लोली, ठीक है ना? तो जो वर्तन आप करेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी. पॉइंट पी का मतलब क्या हुआ, पॉइंट पी क्या है, पॉइंट पी इज दैट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू बी कैलकुलेटेड. पॉइंट पी इज दैट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू बी कैलकुलेटेड ड्यू टू ए फिक्स्चर प्लस, ठीक है ना बच्चों? तो ठीक है भाई, देखते हैं वर्क कितना करना पड़ेगा. तो जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा प्लस की चार्ज, सपोज किसी समय जब आप एक्सटर्नल एजेंट लेके आ रहा है, किसी समय एक्स डिस्टेंस पर यहां प्लस वन चार्ज, ठीक है, तो क्या करेगा ये चार्ज, इसको इधर रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, कितना फोर्स से रिपेल करेगा, सो के क्यू वाई एक्स स्क्वायर, ओके, एक्सटर्नल एजेंट को ले जाना है इसको इधर, ठीक है ना? तो किधर लगाएगा एक्सटर्नल एजेंट को, लेफ्ट डायरेक्शन, कितना लगाएगा, एक एक्सटर्नल एजेंट कितना लगाएगा, तो सेम लगाएगा. क्यों सेम लगाएगा, कोई पूछेगा क्यों सेम लगाएगा, तो उसको बोलिए कि चूंकि इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाना है, यदि ये फोर्स इससे ज्यादा होगा तो फिर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, और यदि इसका फोर्स इससे कम होगा तो फिर रिटार्डेशन होगा, और ये जाके कहीं रुक के फिर वापस आ जाएगा. इसलिए हमको कहना पड़ेगा कि सेम फोर्स लगाएगा जितना कि वो चार्ज इस पे रिपल्सन फोर्स लगा रहा है. तो फॉर डीएक्स डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, फॉर डीएक्स डिस्प्लेसमेंट वर्क डन डीडब्ल्यू equal to minus
KQy x square dx कितना हो जाएगा माइनस EdX होगा, यही होगा ना। माइनस EdX का मतलब हुआ कि प्लस वन चार्ज पर जो ये फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को हम लोग यही कहते हैं, और निगेटिव साइन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल एजेंट का, इसलिए माइनस EdX। ठीक है, आपकी उसे सुनिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ, ये E का मतलब हुआ कि जो फोर्स प्लस की लगा रहा है उस फोर्स के अपोजिट एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है तो माइनस एंड को डी एक्स। ठीक है, सो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन को, तो फाइनली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे, लेकिन वोल्ट को थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वोल्ट को हम मिटाते हैं, सुटेबल प्लेस मिटाने लायक यही है, डेफिनेशन तो आपको याद हो चुका है। So for dx displacement work done is this, so the total work done is equal to integration of minus k q y x square dx। ठीक है, k q को तो बाहर लेके आप चले जाइए, कहाँ है कहाँ तक, तो infinity से r तक। ठीक है ना, कितना हो गया देखिए, तो ये हो गया आपका क्यूब और ये 1 बाई एक्स हो जाएगा इंफिनिटी टू आर, सो के क्यूब 1 बाई आर माइनस 1 बाई इंफिनिटी, ये तो 0 हो जाएगा, सो के क्यूब बाई आर। तो बच्चों फाइनली पोटेंशियल का कितना पोटेंशियल होगा, पी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा के क्यूब बाई आर, मतलब U by 4 pi epsilon naught R। ठीक है ना, यहां पर एक चीज नोट करने वाली बात है कि फॉर निगेटिव चार्ज Vp इक्वल टू माइनस KQ by R। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ये दो बातें दो पॉइंट का याद रखना। ठीक है ना, फिर से मैं एक बार बताऊंगा, बट इतना क्लियर होना चाहिए, ये कैलकुलेशन क्लियर होना चाहिए कि पोटेंशियल हमने कैसे निकाला है। ठीक है, बता दें देखो बच्चों, अभी अभी आपने सीखा कि यदि ये कोई प्लस क्यू चार्ज है तो यहां से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, यहां पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर। ठीक है ना, यहां पर क्यू क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ओके, इट्स माइनस KQ by R कब होगा, जब Q जो हो क्या हो नेगेटिव चार्ज, मतलब लेस देन जीरो। देखो बच्चों एक चीज मैंने आपको सिखाया था कि इन ग्रेविटेशन ये मास हमारा एम था, इस पी पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकालते थे, तो आप तो क्या करते थे,
यहाँ पे यूनिट चार्ज लिए हैं, वहाँ यूनिट मास लेते थे, नहीं ये हमारा 1 kg मास और इसको एक्सटर्नल एजेंट कहा है इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करता है, दिस वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एट पॉइंट, ठीक है ना। ये पोटेंशियल कितना आता था हमारा माइनस जी एल वाई आर। यहां पर एक चीज बताएंगे कि ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों एक जैसा है, अंतर इतना ही है कि यहाँ जी के जगह के है और एल के जगह क्यू है, ये दोनों सिमिलर है बट ये इसके सिमिलर नहीं है। इसका मतलब एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि जहां पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वहां पोटेंशियल नेगेटिव होगा और जहां रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वहां पोटेंशियल पॉजिटिव। पोटेंशियल पॉजिटिव कब होगा, जब रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स लगने का मतलब पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है ना। और नेगेटिव कब होगा, जब अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स लगने का मतलब चार्ज नेगेटिव। मतलब यहाँ पर आप लिख लीजिए कि पोटेंशियल ही इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन प्लस वन चार्ज इज अट्रैक्टिव, सॉरी नॉट अट्रैक्टिव, रिपल्स, ठीक है ना बच्चों। और ये भी लेस देन जीरो कब होगा, जब फोर्स ऑन प्लस वन चार्ज इज अट्रैक्टिव, ठीक है ना। या क्यू इज नेगेटिव, यहां पर या क्यू इज पॉजिटिव, सही है ना। मतलब एक तरह से बिल्कुल इतनी बातें को एकदम छोटा सा करके आपको सोच के याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ठीक है ना बच्चों। क्लियर है, जैसे समझिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल परफेक्ट है। फिर से एक बार सुन लीजिए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव, ठीक है ना। अब पोटेंशियल फंक्शन में दो और बात इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं, और ध्यान दीजिए कि पोटेंशियल है क्या। तो ये पोटेंशियल वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है, वेक्टर होता है, स्केलर होता है, स्केलर। सो यहां पर इवॉल्व पोटेंशियल, इवॉल्व दो चीजें, पहला इट इज ए स्केलर, ठीक है ना। दूसरा एसआई यूनिट क्या होना चाहिए था, होना तो चाहिए था जूल पर कूलम, लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे, क्या वोल्ट equivalent to joule per, ठीक है ना बच्चा। यहां पर कई जगह पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाता है, तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन को बराबर कितना होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ वोल्ट या जूल। बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना सीख गए, आपको ध्यान में आ गया, चलिए ठीक है। फिर इसको मिटा दें हम,
पोटेंशियल आप समझ गए कि पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो प्लस वन चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाएंगे, जो बंधन होगा एक्सटर्नल एजेंट का उसको पोटेंशियल कहेंगे। अब इसमें सवाल बनाने जा रहे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो चलिए इसके सवाल बनाते हैं। हमारा सवाल मान लिया जाए फोर चार्जेस आर प्लेस ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन स्क्वायर, मान लीजिए स्क्वायर है साइड ए एंड ए, चार चार्जेस प्लेस ऑन द वर्टिसेस, वर्टिसेस का मतलब हो गया यहां पे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस टू क्यू माइनस, ठीक है ना। ये जहां डायगनल कट रहा है ये जो डायगनल कट रहा है पी पॉइंट पे, सो फाइंड पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सही है ना बच्चों। फोर चार्जेस आप प्लेस अंदर वर्टिसेस ऑफ एन स्क्वायर, कौन कौन से चार्जेस हैं, प्लस क्यू है माइनस क्यू है प्लस टू क्यू है माइनस क्यू है, ठीक है ना। ये चार चार्जेस जो है वर्टिसेस पर प्लेस है और आपको जहां डायगोनल बाईसेक्ट हो रहा है आप यू कैन से दैट दिस इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर, तो इस पॉइंट पर आपको निकालना है पोटेंशियल, ठीक है। तो चलिए आपको अभी अभी सीखे जस्ट आपने सीखा है, आपने अभी अभी फॉर्मूला ड्राइव किया है। यदि कोई चार्ज ये प्लस क्यू है तो इसके वजह से आर ध्रुव पर पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर यही होता है, आपने अभी सीखा है। तो चलिए आपके पास फोर चार्ज है, फोर चार्जेज है जिसकी वजह से आपको पोटेंशियल निकालना है। तो मान लिया जाए फोर चार्जेज कौन कौन से हैं, तो आप इसको कर लीजिए Q1, इसको कर लीजिए Q2, इसको कर लीजिए Q3, इसको कर लीजिए Q4। तो बच्चों फोर चार्जेज हैं तो सबके वजह से इंडिविजुअल निकालेंगे, क्योंकि देखो पोटेंशियल क्या है स्केलर और स्केलर क्वांटिटी का एल्जेब्रिक समेशन होता है, वेक्टर समेशन तो होता नहीं, एल्जेब्रिक समेशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई कहेगा कि भाई ये तीन मार्कर है इनका मास पढ़ो, तो हम इंडिविजुअली इसका मास देख लेंगे, इसका मास देख लेंगे, इसका मास देख लेंगे और मास स्केलर क्वांटिटी है तीनों को ऐड कर देंगे तो इस पूरे सिस्टम का मास निकल जाएगा। सेम हम यहां पे चार्ज चार्जेज है तो उन चारों के वजह से इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालेंगे और उसको सम करेंगे। सो पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू क्यू वन प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू टू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू थ्री प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू फोर, ठीक है ना बच्चों। अब सारे पोटेंशियल देखेंगे तो मान लिया आप क्यू वन की वजह से देखे तो क्यू वन से ये डिस्टेंस कितना है, ध्यान से देखिए यही तो आर है ना, यही आर है, यहां से भी इस पॉइंट का सेम डिस्टेंस आ रही होगा। सिमिलरली ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, क्या देखे क्यू वन की वजह से के क्यू बाई आर प्लस क्यू टू की वजह से निगेटिव चार्ज है निगेटिव पोटेंशियल होगा सो माइनस के क्यू बाई आर, क्यू थ्री की वजह से क्यू थ्री भी निगेटिव चार्ज है सो माइनस के क्यू बाई आर, क्यू फोर पॉजिटिव है
plus k 2q by r, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये k q by r कट गया, मतलब इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे और इसका पोटेंशियल कट गया, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा और सेम वैल्यू रहेगा, इसलिए वो कट गया, कैंसिल हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए k q बाहर गया, यहाँ हो गया 2 by r माइनस 1 by r। तो यहाँ पर तो देखिए ये 2 - 1 = 1 for KQ/R हो गया। अब चूंकि r की वैल्यू कितनी होगी हमें चेक करना पड़ेगा, तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा रूट टू में, ये डायगोनल का लंबाई हो जाएगा रूट टू में, तो रूट टू में का आधा, so KQ/A√2/2। So, कितना हो गया बच्चों बोलो, √2 KQ/A whole tensor। इस तरह के बहुत से सवाल आते हैं जो आप इजीली बना लेंगे, कुछ नहीं है उसमें। उसमें क्या है कि चार चार्जेज हो सकते हैं, पांच चार्जेज हो सकता है, हाई चार्जेज रखे हो पेंटागन के वर्टिसेस पर और आपसे पोटेंशियल पूछा जाए, हो सकता है किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पर तीन चार्जेज रखा हो पोटेंशियल पूछा जाए। ये बहुत सिचुएशन, आप इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेज, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो आप उसका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ले लेंगे। तो इस तरह से आप नेट पोटेंशियल किसी सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि आप कर लेंगे, आपके जस्ट मतलब प्रैक्टिस के लिए ट्राई और सेल्फ दे रहे हैं, आप उसको बनाइएगा, यदि नहीं बनेगा तो फिर हमको इनबॉक्स करिएगा, ठीक है ना। फिर मैं उसका रिप्लाई उसका सोल्यूशन आपको भेजूंगा और आपसे डिस्कस करूंगा। तो आपके लिए ट्राई और सेल्फ देने जा रहे हैं, उस ट्राई और सेल्फ को देखिए, यहाँ पर एक नहीं दो दो देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। थ्री चार्जेस आर प्लेस्ड, ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ईच साइड इज 10, ठीक है ना। यहां पर चार्जेस जो है वो है -20 कूलम पर, यहां जो है +10 कूलम पर, और यहां जो है +40 कूलम पर, ठीक है ना। आपको निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंट्रॉइड, ठीक है ना। सेंट्रॉइड पर आपको पोटेंशियल निकालना है। सेंट्रॉइड का मतलब होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, जहां पर एंगल बाइसेक्टर मीडियम जो है वो कटे, इस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। तो एट सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का मतलब सी, यस, यहाँ निकाल गया, ठीक है ना, यहाँ निकाल रहा हूँ। यहाँ हिंट भी आपको दे दे रहे हैं कि पोटेंशियल स्केलर है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए पोटेंशियल ड्यू टू +10 कूलम प्लस पोटेंशियल ड्यू टू -20 कूलम प्लस पोटेंशियल ड्यू टू
प्लस 40 और ये जो आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये पहला ट्राई योरसेल्फ आप लोग बना लेंगे और बहुत ही क्लियर कट आपको बता दिया हूँ कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी आपको पोटेंशियल निकालना है सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्ज की वजह से, वो आप उनका इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल और फिर उसको सम कर देंगे, ठीक है। तो हमने आपको हिंट यहाँ दे दिया है, पूरा सोल्यूशन हम नहीं दे रहे हैं, पूरा सोल्यूशन आप बनाएंगे। और उसको सम कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल हमारा है, ये भी ट्राई योरसेल्फ है, ठीक है। दूसरा सवाल है कि ऐसे सपोज करिए कि ये एक हेक्सागन, ठीक है ना, ये हेक्सागन है और रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। ये रेगुलर हेक्सागन है, इसका साइड ए है, यहां पर चार्जेज रखा हुआ है -10 कूलम, -30 कूलम, +40 कूलम, +50 कूलम, -30 कूलम, -20 कूलम, ठीक है ना। और आपको बताना है कि भाई आपको बताना है कि ये जो सेंटर यहां सी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ पॉलीगन, ठीक है ना, पॉलीगन ऑफ सिक्स साइड ऐसा करना, ठीक है ना। और ए का वैल्यू मान लिया दिया हुआ है 2 मीटर, ओके। तो ये दो ट्राइंगल सेल्फ आपके लिए हैं, इन दोनों ट्राइंगल सेल्फ को बना लेने से इतनी बात को क्लियर हो जाएगी कि आप डिस्क्रीट चार्जेज का जो असेंबली है उसके वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते, ठीक है ना। तो ठीक है, आप इन दोनों सवाल को सॉल्व करके हम इनबॉक्स करेंगे ताकि हमें लगे कि हाँ भाई आप चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे तरह का जो प्रॉब्लम आता है वो आता है, अभी आपने क्या सीखा, आपने पोटेंशियल निकालना सीखा, इसके लिए असेंबली और डिस्क्रीट चार्ज, मतलब पॉइंट चार्जेज अलग अलग रखे हुए हैं, उनके वजह से किसी एक पॉइंट पर आपने पोटेंशियल निकालना सीखा, ठीक है। अब जो सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है वो ये आएगा कि भाई ये प्रॉब्लम आएगा कि भाई हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी की वजह से पोटेंशियल कैसे निकाले, तो इस तरह के प्रॉब्लम को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम उसके बात करते हैं, लेकिन पहले वो क्लियर कर लो, इसके बाद उसको आप बताओ, ठीक है ना।